हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वह 2008 में आई मॉन्स्टर बेस्ड मूवी है, जिसे कि डायरेक्ट किया है मैट रीव्स ने। यह मूवी अपने आप में एक यूनिक तरीके की मूवी है, क्योंकि इस मूवी को एक रॉ फुटेज के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी काफ़ी यूनिक रखी गई है, जिसे कि हम मूवी की एक्सप्लेनेशन में आगे देखेंगे। मूवी के लीड रोल में हमें नज़र आते हैं माइकल डेविट एज रॉब, माइक वॉगल एज जेसन, जेसिका ल्यूकस एज लिली फोर्ड, लीजा कैपलन एज मार्लेना एंड ऑडिटे एज बेथ। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 7 out of 10 रेटिंग मिली हुई है और रोटन टोमेटो पर यह 77% फ्रेश है। तो और देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे रॉब कैमरा से वीडियो बना रहा होता है और वो अपने बेडरूम में जाकर बेथ से बातें कर रहा होता है, जिसमें कि वो दोनों कोनी आइलैंड जाने का प्लान बनाते हैं। अब यहीं पर इस सीन को कट कर दिया जाता है और आगे हमें इसी कैमरे को लिए हुए रॉब का ब्रदर दिखाया जाता है, जिसका नाम जेसन होता है। जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड लिली मिलकर रॉब के लिए पार्टी सेलिब्रेशन रख रहे होते हैं और यहाँ पे हमें पता लगता है कि रॉब को जापान के अंदर जॉब मिल गई है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग बाकी फ्रेंड्स को भी इनवाइट करते हैं। और यहाँ पर रॉब इस कैमरे को अपने फ्रेंड हर्ट को दे देता है और उसे इस कैमरे से वीडियो शूट करने के लिए बोलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बैथ अपने एक नए डेट के साथ आई होती है, जिसे देखकर कि रॉब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। फिर उन दोनों के अंदर बहस होती है और जब ये चीज़ हर्ट को समझ नहीं आ रही होती तो वो लिली से जाके इसके बारे में पूछता है। फिर लिली जेसन और हर्ट को रॉब और बैथ के रिलेशनशिप के बारे में बताती है और यहाँ पर हर्ट बाकी सारे गेस्ट को इसके बारे में बता देता है। जब इस चीज़ का बैथ को पता लगता है तो वह पार्टी छोड़कर चली जाती है। इसके कुछ ही देर के बाद पूरा का पूरा बिल्डिंग शेक होने लगता है और आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में उनको आवाज़ें आ रही होती हैं। फिर जितने भी यहाँ पर गेस्ट होते हैं वो सभी इस चीज़ का पता लगाने के लिए उस बिल्डिंग की रूफ पे जाते हैं और वो चारों तरफ देखने लगते हैं। फिर वो देखते हैं कि आसपास काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है और उसी एक्सप्लोजन से जो डेब्री है वो उनके पास आके गिर रहा होता है, इसीलिए सब लोग वापस से बिल्डिंग के अंदर भागने की कोशिश करते हैं और दोबारा से उस आइलैंड में हमें एक अजीब तरीके का साउंड सुनाई देता है। फिर ये सभी लोग भागकर उस बिल्डिंग से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और फिर हम देखते हैं कि जैसे ये लोग बाहर आते हैं तभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी का हेड इनके पास आके गिरता है, जिससे कि हडसन मरते मरते बचता है। और साथ ही ये सभी लोग देखते हैं कि पास की जो बिल्डिंगें हैं वो भी एक एक करके गिर रही हैं और इससे बचने के लिए ये सभी लोग एक पास की शॉप में चले जाते हैं। और जैसे ही कुछ देर बाद सिचुएशन थोड़ी सही होती है, ये लोग शॉप से बाहर आते हैं जहाँ पर ये उनकी एक फ्रेंड मार्लेना को मिलते हैं, जो कि उन्हें बता रही होती है कि कैसे उसने उस मॉन्स्टर को देखा है जो कि इंसानों को खा रहा है। फिर जब सभी लोग इस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं तभी वो लोग सोचते हैं कि शायद उन्हें इस आइलैंड से बाहर निकल जाना चाहिए और वो पांचों लोग, जिसमें कि जेसन, बेथ, लिली, हडसन और मार्लेना होते हैं, ये उस जगह से जाने का प्लान कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पुलिस सभी लोगों को बोल रही होती है कि वो लोग ब्रिज के थ्रू यहाँ से बाहर निकलें और जैसे ये लोग ब्रिज के थ्रू जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है वो ब्रिज पर हमला कर देता है और इसी के दौरान जेसन इस हमले में मारा जाता है और पूरा का पूरा ब्रिज कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को वापस उसी जगह पर जाना पड़ता है जहाँ से ये लोग आए थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉब जो है अपने भाई के डेथ से बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है और इसके साथ ही लिली भी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। फिर रॉब के फ़ोन पर बैथ का कॉल आता है, जिसमें कि वो बताती है कि वो एक बिल्डिंग के अंदर फंसी हुई है और रॉब से वो हेल्प करने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर रॉब एकदम ट्रॉमाटाइज कंडीशन में आ जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, तो वो ये डिसीजन लेता है कि वो अब बैथ को बचाने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाएगा। जब वो बाकी सब लोगों को ये चीज़ बताता है तो सब लोग रॉब को वहाँ जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि बैथ के अपार्टमेंट के आसपास ही ये मॉन्स्टर भी देखा गया था। लेकिन फिर भी रॉब यहाँ पर किसी की बात नहीं सुनता और वो बैथ के अपार्टमेंट के पास जाने के लिए निकल जाता है और बाकी सब लोग भी ये डिसीजन लेते हैं कि वो लोग रॉब के साथ जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ये लोग उसके अपार्टमेंट की तरफ जा रहे होते हैं तभी सामने मॉन्स्टर इन्हें दिख जाता है और इसी के साथ ही इनके पीछे आर्मी होती है जो कि उस मॉन्स्टर पर अटैक कर रही होती है। अब ये ग्रुप एकदम पैनिक में आ जाता है और ये अपनी जान बचाने के लिए एक सबवे के अंदर चले जाते हैं, जो कि उसी स्ट्रीट के आसपास होता है जहाँ पे वो मॉन्स्टर था, और ये लोग इस अटैक में बाल बाल बच जाते हैं।
अब यहाँ पर रॉब दोबारा से बैथ के अपार्टमेंट में जाने के लिए बोलता है, जहाँ पर वो बोलता है कि ये लोग उस सबवे के ट्रैक को फॉलो करते हुए उसके अपार्टमेंट के पास पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर से सभी लोग रॉब को मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानता तो फिर ये लोग कोई और चारा ना मिलता हुआ देख उसके साथ जाने का डिसीजन लेते हैं। अब जैसे ही ये लोग उस रेलवे ट्रैक के पास से जा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि इन पर कुछ छोटे छोटे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, जो कि उस बड़े मॉन्स्टर के बॉडी में से निकल कर आए होते हैं, और इसी अटैक के दौरान ये मार्लेना को काट लेता है। लेकिन यहाँ पर बाकी सब लोग मिलकर एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि सिर्फ मार्लेना ही इंजर्ड होती है और बाकी सब लोग बच जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये किसी तरीके से अपनी जान बचाकर उस जगह से बाहर निकलने का डिसीजन लेते हैं, और जैसे ही लोग वहाँ से बाहर आते हैं, इनको आर्मी के लोग घेर लेते हैं और इन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, और आर्मी इस पूरे शहर को धीरे धीरे खाली करा रही होती है, जिसकी वजह से वो इन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर रॉब उन्हें बताता है कि उसे अपनी एक फ्रेंड बैथ को भी लेने जाना है। इस पर आर्मी के लोग उन्हें मना करते हैं, लेकिन जब रॉब नहीं मानता तो उन्हीं में से एक आर्मी का मेंबर इनकी हेल्प करने की कोशिश करता है, और वो रॉब को बताता है कि तुम फटाफट से अपनी फ्रेंड को लेकर 6 बजे तक हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाना, क्योंकि 6 बजे यहाँ से लास्ट हेलीकॉप्टर जाएगा। तो रॉब उस थैंक्स बोलकर अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही ये लोग बैथ के अपार्टमेंट के पास पहुँचते हैं, ये देखते हैं कि बैथ के अपार्टमेंट में जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो ये पास ही की एक बिल्डिंग जो कि उस अपार्टमेंट के ऊपर इंक्लाइंड होती है, उससे बैथ के अपार्टमेंट में जाने का डिसीजन लेते हैं। ये बड़ी मुश्किल से फ्लोर बाय फ्लोर कर कर 60 फ्लोर चढ़कर ऊपर जाते हैं। फिर उसके बाद ये बैथ के अपार्टमेंट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बैथ इंजर्ड कंडीशन में पड़ी होती है और उसके शोल्डर में एक आयरन का रॉड घुस गया होता है, जिसे ये लोग निकालते हैं। उसके बाद ये बैथ को धीरे धीरे करके वहाँ से चलने के लिए बोलते हैं, और जैसे ये लोग जा रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर उनकी बिल्डिंग के पास आ गया है। ये लोग बैथ को किसी तरीके से बचा कर वहाँ से निकल रहे होते हैं, और इन्हें सामने आर्मी का हेलीकॉप्टर दिखता है। फिर ये सभी लोग उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। यहाँ पर हम ऊपर से देखते हैं कि आर्मी के काफी सारे प्लेन जो होते हैं वो इस मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे होते हैं, और जिससे कि पास की एक बिल्डिंग उस मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाती है, जिसे देखकर हडसन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो सबसे कहता है कि अब मॉन्स्टर मारा गया। लेकिन इसी बीच में वो मॉन्स्टर इनके प्लेन पर अटैक कर देता है, जिससे कि इनका प्लेन पास ही के गार्डन में जाकर क्रैश कर जाता है। इस क्रैश से रॉब के पैर में चोट आई होती है, और यहाँ पर हडसन उसकी हेल्प करने के लिए आगे जाता है और वो कैमरा को एक साइड में रख देता है। फिर रॉब और बैथ वहां से थोड़ा आगे निकल जाते हैं, और हडसन वापस उस कैमरे को लेने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो कैमरे के पास पहुंचता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आ चुका होता है, जो कि हडसन को देखकर उस पर अटैक कर देता है, और उस पर अटैक कर वो उसके लोअर बॉडी पार्ट को खा जाता है। कि हडसन के हाथ में जो कैमरा होता है वो उसकी बॉडी के साथ पार्क के एक हिस्से में गिर जाता है। जब ये चीज बेथ और रॉब देखते हैं तो वो बहुत ही घबरा जाते हैं। फिर जब उन्हें पता चलता है कि हडसन मारा गया है, तो वो वहां से उस कैमरे को लेकर भाग जाते हैं और एक ब्रिज के नीचे जाकर छुप जाते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग सायरन की आवाज सुनते हैं, जिससे कि इनको पता लग जाता है कि अब इस पूरे शहर को बॉम्ब से खत्म कर दिया जाएगा। फिर ये लोग अपना लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें कि ये लोग बताते हैं कि उनके साथ इस 7 आवर्स के अंदर कैसे कैसे इवेंट्स हुए हैं। और फिर ये लोग जैसे ही एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं, तभी हम देखते हैं कि इनके ब्रिज के ऊपर एक बॉम्ब आके गिरता है, जिससे कि ये लोग मारे जाते हैं और कैमरा वहीं पर पड़ा रहता है। हमें इस मूवी के सबसे फर्स्ट सीन का कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेथ और रॉब फेरिस व्हील पर एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पर रॉब बेथ को अपने दिन के बारे में बताने के लिए बोलता है। और तभी हम इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि पीछे ओशन में एक सैटेलाइट गिरी होती है, लेकिन रॉब को इस चीज का पता नहीं चलता। दरअसल ये जो सैटेलाइट होती है, ये वही सैटेलाइट होती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर पानी के अंदर से बाहर आया हुआ होता है, क्योंकि इस सैटेलाइट को ढूंढने के लिए साइंटिस्ट की टीम ओशन में जाती है।
जिससे कि वो लोग इस मॉन्स्टर को जगा देते हैं और वो मॉन्स्टर पानी से निकलकर बाहर आ जाता है और इस पूरे शहर को तबाह कर देता है। अब इस मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैमरा रिकॉर्डिंग चल रही होती है और इसी के साथ हम इसमें एक मैसेज सुन सकते हैं जिसमें कि कोई लोग बोल रहे होते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। तो इवेंचुअली वो पूरा शहर खत्म हो जाने के बाद भी वो मॉन्स्टर नहीं मरता है और ये जो बाकी सारे फ्रेंड्स होते हैं वो इस हमले में मारे जाते हैं। तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और ऐसी ही कुछ मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।